अरे चेतना कैसी है? अरे सनी तू यहाँ पर और ये क्या हालात बना रखे तूने अपने? अरे तू ये सब छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तू कबाड़ी वाला, यार तू हमारे कॉलेज का टॉपर था, अरे तू कबाड़ी वाला कैसे? अब यार क्या बताऊँ चेतना, बहुत लंबी कहानी है, तुझे कभी बाद में बताऊंगा आराम। तेरी हिम्मत क्या हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हक करने की? शांत, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया? वो दोस्त है मेरा, मैंने तुम बताया था ना कि मेरे कॉलेज का जो टॉपर था मेरा बेस्ट फ्रेंड वो है ये टॉपर, और ये कबाड़ी वाला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कबाड़ी वाला तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? और इसकी हिम्मत कैसे हुई कबाड़ी वाला होके तुमको हक करने की? निशान तो क्या हो गया, वो दोस्त है दोस्त ऐसे ही तो मिलते हैं, उसने हक कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरी बात सुनो, दोस्त बिना औकात देके बनाए जाते हैं। अरे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ तो सोचो एक बार, तुम्हारा कुछ स्टेटस है, और ये कबाड़ी वाला होके तुमको हक कर रहा है? अरे वो तो शुक्र है कि सिर्फ मैंने देखा कि इसने तुमको हक किया, सोचो अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया होता ना कि कबाड़ी वाला ईशान की गर्लफ्रेंड को हक कर रहा है तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? ईशान तुमने से पहले सोचो तो सही, ठीक है वो अगर कबाड़ी वाला कोई मजबूरी रही होगी उसकी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलो निकले यहाँ से। अबे ओ खड़ा क्या है तू, निकल यहाँ से। एक मिनट, तुम्हारी चेन थी गले में, कहाँ गई वो चेन? पता नहीं, शायद कहीं रखती होगी या घर पे रह गई होगी। यही कहीं नहीं रखी होगी, होना हो इसी ने चोरी की होगी। अरे मैं इन कबाड़ी वालों को अच्छे जानता हूँ, ऐसे गले मिलते हैं उसके बाद चेन छुड़ा लेते हैं। अबे ओ चक्कर, अरे भैया आप ही क्या कर, नहीं चेन होगा चुपचाप बता चेन का है। भैया मेरी बात तो सुनो, चेन मेरे पास नहीं। अरे मेरी बात भैया मेरी बात समझो, मैं क्यों चेन चुराऊंगा, इनकी मेरे पास सच में इनकी चेन नहीं है। और आप चेक करो, हो सकता है आपके घर में हो या गाड़ी में गिर गई हो। ईशान छोड़ो उसे, ये क्या कर रहे हो तुम, उसके पास नहीं है चेन, चेक कर लिया ना तुमने? अरे कहीं रखी होगी, छोड़ी होगी मुझसे कहीं, तुम चलो यहाँ से। चलो फिर, रुको भैया, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो, हो सकता है वो चेन आपकी गाड़ी में गिर गई हो या फिर घर में ही हो सकता है इसने पहनी ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो कबाड़ी वाला होके उसको ज्ञान देगा, निकल यहाँ से, चलो बैठो। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं माफी मांग। हाँ तो कौन सी गलती कर दी मैंने, है तो कबाड़ी वाला ही है, इसने तुमको हक किया इसलिए मैंने उसको इतना मारा। खड़ा क्या है, निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, सनी सागर, क्राइम ब्रांच, और मैं कोई कबाड़ी वाला नहीं हूँ, ये बेस तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं एक मुजरिम को पकड़ सकूँ। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं आपकी गर्लफ्रेंड को टच करने, वो तो बस अपनी पुरानी दोस्त को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए इसको आके हक कर लिया। यार कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो लोगों को उनके कपड़ों से जज करता? नहीं सनी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छे हैं, वो शायद थोड़े फ्रस्ट्रेशन में थे इसलिए तुम पे गुस्सा उतर गया, मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, आई एम रियली सॉरी। वैसे अब आपके हाव भाव क्यों चेंज हो गए? वैसे आपको जैसे ही पता चला कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ आपके तो रंग ही बदल गए। खैर छोड़ो, चलता हूँ मैं।